सडलेले पायनॅपल पूर्ण सडले, किडी पडलेत त्याच्यात. हे मँगो ज्यूस, आपण ज्यूस आरोग्यासाठी चांगला म्हणून पितो. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. रोड के किनारे ठेला गाड़ी पर अगर आप फलों का जूस पीने का शौकीन है तो सावधान हो जाए, कहीं ये जूस सड़े हुए फलों का तो नहीं. इसी तरह से सड़े हुए आम और पाइनएप्पल का जूस बेचने वाले की लोगों ने जमकर पिटाई की है. यही नहीं, इसके ठेला गाड़ी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है. मामला भिवंडी के साई मंदिर के पास का है, जहां एक ठेले गाड़ी पर फलों का जूस बेचने वाला जो व्यक्ति है, ये सड़े हुए फलों का जूस निकाल कर बेच रहा था, यानी कि लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर रहा था. और ये खिलवाड़ इसे इस कदर भारी पड़ गया कि लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी, और यही नहीं, बुलडोजर से इसकी दुकान को भी तोड़ दिया है. ये बगा साई बाबा मंदिर के समोर जूस वाला, तू भाग मत, तेरा भी वीडियो बना रहे. सडलेले पाइनएप्पल पूर्ण सडले, किडी पडलेत त्याच्यात आणि ज्यूस बनवून विकतात. कोण आहे रे सेठ तेरा? अशोक नगर वाला. हे मँगो ज्यूस, आपण ज्यूस आरोग्यासाठी चांगला म्हणून पितो. आणि यांचे बघा, हे आता मी व्हिडिओ बनवले म्हणून फेकून दिले आहे का पाइनएप्पल. क्या नाम है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, भाग मत, इधर आ. तर सर्वांना विनंती आहे का, कोणी याच्याकडून ज्यूस पिऊ नका. साईबाबा मंदिरच्या समोर वाला आणि याचा मालक अशोक नगर वाला आहे. इधर आ रे, सेठ का नाम बता, तेरा नाम बता, बता नाम बता तेरा जल्दी. पवन है. बोल बोल. पवन से. कौन, किधर रहते हो? किधर रहता है? अरे गाडी तिकडे टेंडे करते.